नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विकेश राज तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के बारे में जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कई सारे विद्यार्थियों को इस बात को लेके बड़ा अटेंशन होता है कि सर जीडीपी कैसे निकालते हैं, जीएनपी कैसे निकालते हैं, एनडीपी कैसे निकालते हैं, एनएनपी कैसे निकालते हैं और फिर किस प्रकार के प्रश्न हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और खासकर इसका रोल क्या होता है। तो आइए समझते हैं संपूर्ण इस पाठ्यक्रम को। तो प्यारे विद्यार्थियों, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी जीडीपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीडीपी के नाम से जानते हैं। अब जीडीपी की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है इसे समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सकल घरेलू उत्पाद, तो घरेलू का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। एक घरेलू का मतलब आप इसे समझ लीजिए कि घर का मतलब आपका पूरा का पूरा देश यानी भारत, ठीक है। तो किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष हमारे देश का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो एक वित्तीय वर्ष में वहां के निवासी और गैर निवासी यानी आपके देश के अंदर जो भी रह रहे हैं, चाहे हम हो या कोई फॉरेनर्स रह रहा है, उसके द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को हम और आप जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। देखिए सकल का मतलब होता है सब कुछ। इंग्लिश में आप लोग एक शब्द पढ़ते हैं टोटल, और इसी को हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में प्यारे विद्यार्थियों सकल कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि सर घरेलू का मतलब क्या है, वित्तीय वर्ष क्या है, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं क्या होती हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा तोड़ तोड़ के समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी कि भारत की सीमा यानी किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। अब यहां पर घरेलू यानी डोमेस्टिक का मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि भारत से, ये आपको सीधे यहां पर भारत का नक्शा दिख रहा होगा, यानी आप ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर, ये भारत की जितनी भौगोलिक सीमा है, इस सीमा के अंतर्गत जितना भी हम उत्पादन करते हैं वह सब हमारे देश की जीडीपी में काउंट किया जाता है। यानी आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि हमारे देश की कंपनी, चाहे वो टाटा कंपनी हो या फिर विदेश की भी कोई कंपनी, चाहे आप किसी पैनासोनिक को उठा लीजिए, किसी को भी आप उठा लीजिए, तो ये कंपनियां यदि हमारे देश के अंतर्गत उत्पादन कर रही हैं तो इनके उत्पादन को हम और आप कहां पर शामिल करते हैं प्यारे दोस्तों, जीडीपी के अंतर्गत शामिल करते हैं। लेकिन इतना तो शामिल कर लिया, लेकिन हमने कहा कि वहां के निवासियों के द्वारा। अब मान लीजिए कि आपके घर का कोई सदस्य सऊदी अरबिया में रहता है और वहां पर पैसे कमा रहा है, ठीक। तो आपको ध्यान देना है इन पैसों को हम और आप अपनी जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी राजनीतिक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अब यह ध्यान देना है कि जीडीपी के अंतर्गत हम लोग किन किन क्षेत्रों को शामिल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले भारत की जितना जियोग्राफिकल एरिया है, पूरी भौगोलिक सीमा को हम इसके अंतर्गत लाते हैं। इसके साथ साथ हमारा कुछ राजनीतिक सीमा होती है, पॉलिटिकल एरियाज होते हैं, उसे भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां से अब अगर आप देखेंगे तो मुंबई है, ठीक है। मुंबई के आसपास यहाँ पर मछलियां निकाली जाती हैं, पकड़ी जाती हैं, ठीक है। इधर वाले क्षेत्र में आप जाएंगे, चेन्नई वगैरह वाले पार्ट में जाएंगे तो भी मछलियों का उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो यहाँ इस उत्पादन यानी हमारा ये राजनीतिक क्षेत्र हो जाता है, ध्यान रखना ये राजनीतिक क्षेत्र हो जाता है। इसके साथ साथ डीप ओशियन क्षेत्र यानी समुद्र की गहराई में भी हम कुछ काम करते रहते हैं, ठीक है, उत्पादन करते रहते हैं इसी तो, और यह समुद्री सीमा हमारी आ जाती है। वायुमंडल में भी हमारा कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। इसके साथ साथ अंतरिक्ष में भी अगर आप देखेंगे तो अंतरिक्ष में भी हमारे प्रयोग चलते रहते हैं, जल क्षेत्र भी और विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि सरकारों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और ध्यान देना है साथ ही साथ हमारे जो दूतावास हैं विदेशों में रखे हुए हैं, वहां से भी जो आमदनी होती है, जो कमाई होती है, जो पैसा आता है,
उसे भी जीडीपी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज कि सीमा कौन सी सीमा, घरेलू सीमा यानी भारत को रखा, फिर भारत की सीमा के साथ साथ हमारा राजनीतिक क्षेत्र भी आ जाता है, समुद्री सीमा भी आ जाएगी, वायुमंडल भी आ जाएगा, जल क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, दूतावेश और आपके सैन्य अड्डे भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे प्रारंभिक परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अब एक आता है कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष यानी इसको अंग्रेजी में आप फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो कि हमारे देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। मध्य प्रदेश में खैर बदलने की गुजारिश हो चुकी है, इसे आप लोग अपडेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, अब आप पूछेंगे कि सर वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, आप एक काम करिएगा, वस्तु मतलब जो हम लोग चीजें लेते हैं, खरीदते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उन्हें सब क्या रहता है, वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जिन्हें आप आभास कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये क्या है, वस्तु है। लेकिन सेवा क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? सेवा आप केवल फील कर सकते हैं, आप इसे देख नहीं सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर क्या करता है, आपकी सेवा करता है। मैं शिक्षक हूँ, मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोफेशन हो जाता है सेवा का। तो ध्यान देना है वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। ठीक, अब वस्तु का अंतिम मूल्य कैसे होता है इसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक कपड़ा खरीदने जाते हैं शॉपिंग मॉल पे। ठीक है, तो आप ये बताइए, कभी भी शॉपिंग मॉल वाले ने आपसे कहा कि सर जी कपास का पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा, इसमें जो बटन लगी है उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा, इसने इसमें जो डिजाइन की गई है डिजाइनर के द्वारा उसका आपको पैसा अलग दिया कर देना पड़ेगा, जो टेलर ने यहाँ पर अपनी मेहनत की है, सेवा दी है, उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप देखेंगे कि इन सब का कोलेबरेशन करके आपसे कपड़े का 3,000, 2,000, 500, 400 जो भी मूल्य होता है आपसे मांग लिया जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग वस्तु का अंतिम मूल्य। ठीक, इसी प्रकार से सेवा का देख लीजिए। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, तो कोई भी कोचिंग संस्थान, कॉलेज संस्थान आपसे चपरासी की फीस अलग से नहीं मांगता है, आपको वहां का क्या बोलते हैं प्रीमाइसेस का फीस अलग से नहीं मांगता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सेवा के बदले एक छोटी या मोटी जैसी भी रकम होती है वो आपसे मांग लेता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। यानी बाजार में ग्राहक के द्वारा जो रुपया चुकाया जाता है उसी बच्चे में हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी का वास्तव में मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जीडीपी का तात्पर्य होता है प्यारे विद्यार्थियों, फिर से समझ लीजिएगा, कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत वहां के निवासी या गैर निवासी, मतलब सीधा सा समझ लीजिए, निवासी यानी हमारे देश में विराट कोहली भाई साहब रहते हैं, ठीक है, और गैर निवासी यानी एबी डिविलियर्स। ठीक है, तो ये लोग जो भी यहाँ पर उत्पादित कर रहे हैं, आईपीएल खेलने भारत आते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर उत्पादन के माध्यम से हो रहा है उसे हम लोग कहाँ पर शामिल करते हैं, जीडीपी के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण मैंने आपसे ये भी बताया कि जैसे कोई टाटा की कंपनी हमारे देश में उत्पादन कर रही है तो उसको जोड़ते हैं, और पैनासोनिक जो कि विदेशी कंपनी है, क्योंकि आप सबको पता है रोजगार देगी, सब कुछ देगी, लेकिन प्रॉफिट तो यहाँ से बाहर ले जाती है, लेकिन फिर भी इसे हम लोग अपनी जीडीपी में शामिल करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी को पता होगा कि मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर जानी चाहिए, जो कि इस समय आप देखेंगे तो 3 ट्रिलियन के आसपास 2024 का टारगेट रखा गया है। इससे क्या होता है, जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा सूचक होता है, संकेतक होता है। इसके साथ साथ जब आप विश्व स्तर पर अपना व्यापार करते हैं तो जीडीपी का प्रयोग क्या है विद्यार्थी, वहां पर अपनी आर्थिक स्थिति उत्पादन दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं जीडीपी के बाद अगले तथ्य की तरफ चलते हैं, जिसे जीएनपी कहा जाता है। ध्यान रखना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको हम लोग कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है इसे समझते हैं। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या है, किसी एक राष्ट्र एक सॉरी कल नहीं यहाँ पे ये सकल, इसको आप सही कर लीजिएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया वन फाइनेंशियल ईयर के दौरान वहां के नागरिकों के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीडीपी में हमने देखा कि हमारे देश के नागरिक और गैर नागरिक जो भी हैं,
हम यहाँ पर सबको शामिल कर लेते हैं जीडीपी में, लेकिन एनडीपी और जीएनपी में हम शामिल नहीं करेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उनको हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही शामिल किया जाएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारतीय नागरिकों के द्वारा यानी किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा देश की सीमा के अंदर, आप ध्यान रखिएगा सीमा के अंदर या बाहर, अभी आपने देखा कि जीडीपी में हमने जो हमारे देश के बाहर रह रहा था नागरिक उसकी आय को शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोग जीएनपी में हमारे देश के बाहर यदि कोई पैसा कमाने गया है तो उसके उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल करते हैं, ठीक है। यानी आप ये समझ लीजिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हमारे देश के जितने भी लोग रह रहे हैं इनको तो साथ में रखते ही हैं। अब मान लीजिए आपके पड़ोसी का लड़का चिंटू चाइना में पैसा कमाने गया है तो चिंटू की भी रकम को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ कोई अगर मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का वहां पे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट लगा हुआ है, रिलायंस का लगा हुआ है, जियो का लगा हुआ है, तो वहां से भी जो आमदनी हमारे पास आएगी उसे हम और आप प्यारे विद्यार्थियों जीएनपी पर शामिल करते हैं। अब जीएनपी होता क्या है, बस आप इस सूत्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो हमने आपसे क्या कहा कि किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत, तो राष्ट्र का मतलब आप सीधे समझ लीजिए भारत, ठीक है, और भारत के निवासियों के द्वारा यानी भारत के जो नागरिक हो गए। अब यहाँ पर नागरिक का मतलब मैं आपको समझाऊं तो नागरिक में एक तो हम आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ हम आपसे इंडियन कंपनी की भी बातें कर रहे हैं, यानी जो भारत की कंपनियां हैं चाहे वो देश के अंदर उत्पादित कर रही हो या बाहर उत्पादित कर रही हो, इन सबके अंतिम वस्तुओं एवं सेवा का जो मूल्य होता है उसे हम और आप जीएनपी में शामिल कर लेते हैं। कहां शामिल कर लेते हैं, जीएनपी में शामिल कर लेते हैं। आई बात समझ में। अब जीएनपी को निकालने का बड़ा एक सिंपल सा सूत्र होता है, यह समझते हैं, ठीक है। जीएनपी का एक छोटा सा सूत्र होता है, इसे समझते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये यहां पर जीडीपी है, प्लीज ये थोड़ा सा फॉन्ट एरर हो गया है इसे याद रखिएगा, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, क्या है दोस्तों, जीडीपी प्लस, ये इसको भी सही कर लीजिएगा, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, यानी यानी आप अपने देश की जीएनपी को जब निकालते हैं तो जीडीपी में एक्स और माइनस को घटाया जाता है। क्या किया जाता है, जीडीपी में से प्यारे विद्यार्थियों आपके देश में एक्स और एम को घटाया जाता है। कैसे घटाते हैं समझते हैं। एक्स का मतलब आप ये समझ लीजिए कि भारत के निवासियों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा जो भी बाहर कमाया गया है, जो भी वहां से लाया गया है, जो भी वहां से आया है उसे हम लोग कहां रखेंगे, एक्स में रखेंगे। और एम का मतलब आप समझ लीजिए कि जो भारत से गया है, ठीक है, यानी यहां से जो कमा के पैसा बाहर ले जाया गया है उसे हम लोग कहां पर रख देते हैं, यम पर रख देते हैं, मतलब ये बाहर हमारे देश से कमा के बाहर ले गए, कोई भी विदेशी व्यक्ति है कोई भी है उसे हम यहां से हटा देते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब इसे एक्स और एम कैसे समझ सकते हैं, जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली मान लीजिए विदेशी धरती पर मैच खेलने जाते हैं तो वे वहां से कमा के लाते हैं 20 करोड़ रुपए, कितना कमा के लाते हैं 20 करोड़ रुपए। और वहीं से एबी डिविलियर्स विदेश से आते हैं और भारत से कमा के ले जाते हैं मान लीजिए 15 करोड़ रुपए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने देश की जीएनपी को निकालने के लिए जीडीपी में से प्यारे विद्यार्थियों एक्स माइनस एम कर देंगे, यानी विराट कोहली की कमाई में से एबी डिविलियर्स की कमाई को हटा देंगे और इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक। तो 5 करोड़ को हम जीडीपी में अपने जोड़ देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा क्या निकल आता है वहां पर, जीएनपी निकल आता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। अब ये आपको खासकर याद रखना पड़ेगा कि जीएनपी और जीडीपी बराबर भी हो सकती है। अगर आपके देश से विदेश से जितना गया और आप विदेशों से जितना लेके आए, यानी अगर एक्स इक्वल टू एम हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है आपकी जीडीपी और जीएनपी में फिर कोई अंतर नहीं रहता है, ठीक है, कोई अंतर फिर नहीं बचता, यानी जीडीपी इक्वल टू जीएनपी, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी
हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक सभी लोगों को? यानी आपको यह याद रखना है कि अपने देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत जो भी प्योर भारत के अंदर भारत के लोगों के द्वारा जो कमाया गया वो जीडीपी में रख लिया, प्लस भारत के बाहर जो भारत के अंदर जो कमा के बाहर ले गए उसको एम के माध्यम से माइनस कर दिया, और भारत में जो भारतीय लोग बाहर रह के जो कमा रहे हैं, जैसे आपके घर के चिंटू कमा रहे थे, तो उनका पैसा आपने यहाँ पर एक्स के माध्यम से जोड़ दिया। क्लियर यहां तक सभी को? तो ये पहला हमने पढ़ लिया जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक आपका जीडीपी हो गया प्यारे विद्यार्थियों और एक आपका जीएनपी हो गया। ठीक है, अब जीडीपी जीएनपी के बाद हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की तरफ बढ़ते हैं जिसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सॉरी मैंने राष्ट्रीय बोल दिया था, क्या वो पढ़ेंगे हम लोग? शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है आप समझिएगा सभी लोग। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों होता क्या है कि हम जीडीपी में सब कुछ शामिल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? जीडीपी में हम और आप सब कुछ शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन एनडीपी में यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम और आप क्या शामिल करेंगे इस चीज को देखते हैं। नहीं, जब किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्यों में कमी होती है जिसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। अब आप ये पूछ सकते हैं सर ये कमी कैसे होती है? ठीक है, और उसी कमी को हम और आप क्या कर देते हैं? जीडीपी में से घटा देते हैं। अंग्रेजी में इसी मूल्य ह्रास को प्यारे विद्यार्थियों डेप्रिसिएशन कहा जाता है, जो कि ये कॉमर्स की भाषा है। समझिएगा कैसे, मान लीजिए आप कोई मशीन लेके आते हैं, अब मशीन क्या मशीन के माध्यम से आप उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने गांव में ट्रैक्टर खरीदा, अब ट्रैक्टर खरीदा आपने 10 लाख रुपए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपकी इस साल जब ट्रैक्टर की कीमत कितनी थी? 10 लाख रुपए थी, लेकिन जब एक साल बाद या 6 महीने बाद जब अपने ट्रैक्टर की आप कीमत आंकते हैं तो आपको पता चलता है कि अब आपके ट्रैक्टर की जो कीमत है वह 8 लाख हो चुकी है। मतलब अब आपके आपके उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो आपने साधन उपयोग किया था, ट्रैक्टर का जो प्रयोग किया था, अब उसकी कीमत कितनी हो गई है? 8 लाख रुपए हो गई है, यानी 2 लाख आपका मूल्य ह्रास हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? 2 लाख रुपए यहाँ पर मूल्य ह्रास हुआ है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर घटा देते हैं। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालने के लिए एनडीपी इक्वल टू, ठीक है, जीडीपी यानी एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, यानी जैसे ही आप डिप्रिसिएशन जीडीपी में से माइनस करते हैं तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है, यानी आपको अपना शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया था, तो जीडीपी में सकल यानी सब कुछ शामिल था। अब एनडीपी कैसे निकालेंगे? तो जो डिप्रिसिएशन है, मूल्य ह्रास है, जो साधन की लागतों में जो कमी आई है उसी को हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं, उसको घटाने के बाद आपको क्या प्राप्त हो जाता है? एनडीपी प्राप्त हो जाता है। क्लियर यहां तक सभी को? इसके बाद अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं जिसे हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी इसे हम लोग कहते हैं, और इसी उत्पाद को हम लोग अलग अलग विधियों के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसे समझते हैं। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सेया से किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों के द्वारा, पॉइंट टू बी नोटेड, उस देश के निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा में या देश की सीमा के बाहर किए गए वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन के, आपको याद रखना है, जो भी मूल्य होंगे, मौद्रिक है, ठीक है ना, जो भी मौद्रिक मूल्य है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, या शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये आप लोगों को विशेषतः याद रखना है। क्या करते हैं दोस्तों? इसे हमें और आपको विशेषता याद रखना है। अब समझिएगा कैसे,
होता क्या है कि इसमें यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को निकालने के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके देश में विदेशी नागरिकों के द्वारा, किसके द्वारा, विदेशी नागरिकों के द्वारा या विदेशी कंपनी के द्वारा जो भी अर्जित आय है उन सबको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। हमने कहाँ घटा दिया था, जीएनपी में घटा दिया था, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि अंतिम उत्पाद में से हम लोग क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन की राशि को भी निकाल देते हैं, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाता है, एनएनपी निकल के आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, ये उत्पाद है। अब इसी उत्पाद को हम लोग अलग अलग विधियों के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को निकालने के लिए आपने हमारे देश की सीमा में के अंदर जो भी भारत के निवासी होने कमाया और देश की सीमा के बाहर जो भी आया उसके मौद्रिक मूल्य को यहाँ पर जोड़ देते हैं। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, जो भी मूल्य में गिरावट आई है संसाधन साधनों में, उसे यहाँ पर माइनस कर देते हैं। इससे हमारे देश का नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो विदेशियों का जो विदेशियों से प्राप्त जो निवल आय होती है हमारे देश में, जो नेट इनकम हम जो कमाए हैं विदेश से, उसको निकालने के लिए जैसे मान लीजिए विदेशी नेट इनकम निकालनी है कि भारतीयों ने विदेश में कितना पैसा कमाया, तो उसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि विदेश में रह के भारतीयों ने कितना पैसा कमाया माइनस विदेशी नागरिकों ने भारत में कितना कमाया, तो आपका क्या निकल जाएगा कि आपने शुद्ध रूप से विदेश से कितना पैसा कमाया है। जैसे हमने आपसे क्या कहा कि विराट कोहली मान लीजिए 20 करोड़ रुपए लेके आए और एबी डिविलियर्स 15 करोड़ लेके गए, तो आपका जो शुद्ध विदेशी राष्ट्रीय विदेशी आय हो जाती है वह कितनी हो जाती है, 5 करोड़ हो जाती है। इसमें मैंने सिर्फ व्यक्ति को शामिल किया है, आप कंपनियों को भी शामिल कर सकते हैं, या आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप कंपनियों को भी शामिल यहाँ पर कर सकते हैं। अब राष्ट्रीय उत्पाद की अलग अलग हम लोग गणना करते हैं, यानी इसको मापने की विधियां हैं। ठीक है, एक विधि कहलाती है जिसे हम लोग कहते हैं उत्पादन विधि। क्या कहते हैं दोस्तों, एक है उत्पादन विधि, एक होती है जिसे कहा जाता है आय विधि, और एक जिसे कहा जाता है व्यय विधि। ठीक है, तो तीन तरीके से हम लोग राष्ट्रीय आय की अपनी गणना करते हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। इसके बाद हम आने वाले लेक्चर्स पे मैं आपको व्यक्तिगत आय क्या होती है, निजी क्या आय क्या होती है, उत्पादन विधि में किसको शामिल करेंगे, आय विधि में किसको शामिल करते हैं, व्यय विधि में किसको शामिल करते हैं, प्यारे विद्यार्थियों पूरा क्लियर करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और जो भी आपके डाउट्स हो तो प्लीज हमसे आपका कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी में आपको इसके बाद समझने में आसानी होगी। तब तक लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।